hello students in my earlier video lecture we discussed about the meaning and definition of training need for training and importance of training to organization and to employees okay now in this video lecture we discuss about the executive development its meaning definitions needs and importance okay so let's start with the meaning of executive development executive development or simply development because it refers to learning opportunities thrown open to managers working at various levels in uh, working at various levels is any attempt to improve managerial performance by imparting knowledge

okay uh, this would involve upgrading their knowledge looking at uh, looking at things from a refreshing fresh angle or simply increasing their skill set so that they can uh, slip into complex and more demanding roles effortlessly okay developing uh, development aims at building the competencies of people of preparing them for planned career growth and is always future focused okay so development is different from training because it focuses on less tangible aspects of performance such as attitudes and values it is a long term educational exercise that helps managers to acquire conceptual and theoretical knowledge in a systematic manner okay so let's discuss the definitions of executive development okay. in the words of george r terry he said that executive development should produce change in behavior which is more in keeping with the organization's goal than previous behavior such a change फ्रिक्वेंटली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग बट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज कंसिडरेबल एज द एंड रिजल्ट इज शॉर्ट इट इज ऑल्सो बेसिक दैट अ टर्मिनल बिहेवियर इज आइडेंटिफाइड बिफोर द डेवलपमेंट एफर्ट्स स्टार्ट ओके सो जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जो हैं वो मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करता है ओके शुड प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर विच इज़ मोर इन कीपिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल दैन प्रीवियस बिहेवियर ओके सच अ चेंज इज़ फ्रिक्वेंटली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स वो छोटे छोटे स्टेप्स में ये कंसिस्ट करता है मतलब फ्रिक्वेंटली वो होल्ड करता है फ्रॉम द ट्रेनिंग कहाँ से ट्रेनिंग से बट द क्यूमलेटिव इफेक्ट इज कंसिडरेबल एज द एंड रिजल्ट इज शॉर्ट जब तक एंड रिजल्ट नहीं आता तब तक ये रिजल्ट uh, का इफेक्ट जो है वो नहीं दिख दिखता ओके सो इट इज़ ऑल्सो बेसिक दैट द टर्मिनल बिहेवियर इज आइडेंटिफाइड बिफोर द डेवलपमेंट एफर्ट स्टार्ट ठीक है ऐसा कहा है जॉर्ज टेरी ने थोड़ी लेंदी है लेकिन ईजी है डेफिनेशन ओके सो सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू नूट्स एंड उडोन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कंसर्न द मीन्स बाय अ पर्सन कल्टिवेट दो स्किल्स हु इम्प्रूव द एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस विध विच द एंटीसिपेटेड रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंट आर अचीव ओके नूट्स और उडोनल जो है उन्होंने क्या कहा है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या कंसर्न है कंसर्न द मीन्स बाई विच पर्सन कल्टिवेट दो स्किल्स हुज एप्लीकेशन विल इम्प्रूव द एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस मतलब उनके अंदर में जो स्किल नहीं है वो इम्प्रूव करने की एफिशियंसी इम्प्रूव करने की और इफ़ेक्ट जो है वो दिखना चाहिए उनके एटीट्यूड से विच एंटीसिपेटेड रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट आर अचीवड ठीक है एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन का सेगमेंट रहता है पार्ट रहता है वो पार्ट जो है वो गोल जो है वो अचीव करने के लिए उनमें ये रिजल्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है ठीक है तो इसके वजह से ये मैनेजर को दी गई एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है ओके okay? हम ट्रेनिंग नहीं कह सकते उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम है और एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच ओके वो क्या कहते हैं द रोल ऑफ द कंपनी इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट

ये सब स्किल इनबिल्ड um, करने की सो so उनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज करता है ओके okay? सो so, ये है नेक्स्ट डेफिनेशन देन अनदर डेफिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ माइकल आमस्ट्रॉन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज इवेंचुअली समथिंग दैट द एग्जीक्यूटिव हैज टू अटेन हिमसेल्फ बट he will do this much better if he is given encouragement, guidance and opportunity by his company. ओके okay? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एग्जीक्यूट जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए ही ये डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है ओके okay? कि उनमें जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनमें जो कुछ उनमें क्वालिटी हैं जो कुछ उनमें स्किल हैं जो कुछ क्वालिटी हैं वो बढ़ाने के लिए देन फ्लिपो की और एक डेफिनेशन है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटि एक्वायर नॉट ओनली स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी इन देअर प्रेजेंट जॉब्स बट ऑल्सो कैपेबिलिटीज फॉर फर्दर मैनेजरियल टास्क ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी एंड स्कोप ओके सो बड़ी सिंपल है uh, सारी भाषा में की है उन फ्लिपो ने डिफिनेशन कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या इंक्लूड है उसमें एक प्रोसेस है आ, वहाँ पे मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिवस जो हैं वो स्किल्स नहीं बल्कि उनके अंदर कॉम्पिटेंसी जो है वो भी डेवलप करते हैं नॉट इन दी प्रेजेंट जॉब बट ऑल्सो कैपेबिलिटी फॉर फर्दर मैनेजरियल टास्क मतलब जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए तैयार रहने के लिए ये उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है ओके एंड लास्ट वन बीच जो है उनका भी उनकी भी डेफ़िनेशन है उन्होंने की है डेफिनेशन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड ग्रोथ बाय विच इंडिविजुअल्स गेन एंड अप्लाई नॉलेज स्किल इंसाइट्स एंड एटीट्यूड्स टू मैनेज वर्क ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवली ये भी बहुत ईजी है फ्लिपो बिच और डेल इनकी बहुत सीधी और अच्छी डेफिनेशन है तो डेफिनेशन पे हम ये ख़त्म करेंगे फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में नीड फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की ज़रूरत होती है या नहीं होती है देर इज़ ग्रोइंग नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एफिशियंट मैनेजरियल पूल टू मीट द चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री के जो चैलेंज हैं वो मीट uh, करने के लिए मतलब वो जो एक्सेप्ट uh, करने के लिए हमें ये डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है realizing this many management institutes and training organizations have geared up their training and development activities to a great extent however there is a certain imbalance in the spread of management education a concentration of management training is found in the industrial sector mostly in traditional industries and public sector enterprises okay so there are some six points नीड्स के सिक्स पॉइंट्स हैं वो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट टेक्नो मैनेजर्स इन सच सेक्टर्स एज इंजीनियर्स एंड स्टील कोल फर्टिलाइजर ऑयल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज पर्सोनल इन दीज इंडस्ट्रीज नीड ट्रेनिंग नॉट ओनली इन द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट बट ऑल्सो नीड टू एक्वायर अ थ्रू नॉलेज ऑफ द सेक्टर ये जो इंजीनियरिंग है ये ये टाइप ऑफ इंजीनियरिंग सेक्टर्स है जैसे कि स्टील है कोल है फर्टिलाइजर है ऑयल है सीमेंट है ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें हर कुछ प्रोसेस चेंज होती है टेक्निक्स चेंज होते हैं स्किल्स उनका चेंज होता रहता है तो ये इंडस्ट्री में डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता है ओके सेकेंड में मैनेजमेंट रिसोर्स मोबाइल मोबिलाइजेशन टूअर्ड्स प्रोफेशनलाइजिंग सच पब्लिक यूटिलिटीज़ एज वाटर सप्लाई पब पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन एफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ दीज यूटिलिटीज़ मतलब ये जो ऊपर के हमने देखे स्टील कोल्ड फर्टिलाइजर उनका इफेक्ट जो है वो मैनेजमेंट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में कहाँ पर होता है सो पब्लिक यूटिलिटीज़ एज वाटर सप्लाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ओके एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इसमें होता है तो ये फंक्शनिंग भी अच्छे से करने के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता है थर्ड वन गवर्नमेंट एंड सिविक ऑफिसर्स ऑफिस ऑर्गेनाइज टू रेंडर पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल सर्विसेज हाउसिंग इंश्योरेंस मास मीडिया पुलिस मेडिकल सर्विसेस एंड एजुकेशन हैव बीन अनटचच्ड बाय द मैनेजमेंट मूवमेंट द मैनेजरियलाइजेशन ऑफ दीज सर्विस नीड्स इमीजिएट अटेंशन ओके मतलब ये जो गवर्नमेंट के और सिविक ऑफिस रहते हैं उसमें पब्लिक सर्विसेज होती हैं ओके okay? उसमें क्या क्या होता है म्यूनिसिपल सर्विसेज होते हैं हाउसिंग इंश्योरेंस मास मीडिया पोलिस मेडिकल सर्विसेज हाँ तो यहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट का मूमेंट ज़्यादा नहीं होता है ना मतलब ट्रांसफर्स ओके ज़्यादा नहीं होते हैं मतलब uh, कई जगह पे हमने देखे हैं कि सेम जॉब लगा है और सेम वहां पे ही उन्होंने रिटायरमेंट ली है तो उसमें मैनेजरियलाइजेशन जो है वो इमिजिएट अटेंशन की जरूरत होती है ओके okay, सो so इसके वजह से यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है फोर्थ वन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स नीड to be introduced in other areas or of national economy, managerial services for agriculture and rural development, irrigation, cooperation and uh, animal husbandry, fisheries, forestry and marketing. Okay? so management know-how also needs to be through to bear the on production process. at the farm level with the view of increasing efficiency in the territory or service sector in rural areas okay so ye jo hai rural development hai agriculture development hai irrigation hai ye sab jo fishery hai ye industries hai unme bhi matlab development program jo hai wo hone chahiye ओके okay. so, ये इनके जे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें भी अगर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत ज़रूरत क्यों होती है कि उनमें भी बहुत सारे स्किल्स जो है वो अभी रिसेंटली देखे गए हैं तो वो स्किल हमारे मतलब उनके भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्वायर करने के लिए उनको भी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है ओके नेक्स्ट फिफ्थ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वास्ट सेक्टर विच नीड्स मैनेजमेंट अटेंशन बिकॉज दिस सेगमेंट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेवेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी फॉर इट ब्रिंग्स फंक्शनरीज इन टू कॉन्टैक्ट विद द सिटीजनरी एंड द ऑन्ट्रप्र क्लास ओके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की जरूरत होती है एंड लास्ट वन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल ऑल दोज हुर एंगेज इन पोजिशन अबाउट द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ ऑपरेशन किन के लिए होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम कि वो सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर के हैं ओके वेदर एज डीन्स ऑफ हॉस्पिटल द वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और कलेक्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्स ओके इनके लिए भी ये प्रोग्राम की आवश्यकता होती है दे जॉब्स कॉल फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट विच इज कंसर्न विद सच स्किल एज लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन for them training in management productivity and human relations would be very valuable okay so students executive development programs helps managers to cope with the rapid technological change cutthroat competition sudden changes in government policies changes in the outlook and expectations of a vast majority of workers possessing transferable skill ओके, okay. सो so, इसके लिए जरूरत होती है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ एक्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ओके सो फर्स्ट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स

ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी एचिव ओके सो इम्पोर्टेंस देखेंगे हम फर्स्ट है क्या इम्पोर्टेंस है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का फर्स्ट है इंक्रीज इन कॉम्पलेक्सिटीज एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फेज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन द साइज एंड कॉम्पलेक्सिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस रीजन द मैनेजर्स नीड टू बी डेवलप टू हैंडल द कॉम्प्लीकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ दिज ऑर्गेनाइजेशंस ओके okay, मतलब साइज अगर बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ जाती है सो so, ये हैंडल करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए ओके okay? उस कंपटीशन को हैंडल करने के लिए सो so, इसके वजह से ये इम्पोर्टेंस है फर्स्ट इम्पॉर्टेंस दिया गया है कि साइज़ अगर बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ती हैं तो इसकी वजह से मैनेजर को तैयार रहना चाहिए हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए सेकेंड वन शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड परसोनल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिक्रूट एंड सिलेक्ट द पर्सनल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द नीड मोस्टली अराइज टू डेवलप द पर्सनल सो दैट दे कु देयर असाइन टास्क इफेक्टिवली एंडिशेंटली विच इज डन थ्रू एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ओके मतलब हर टाइम हमें जो पर्सन चाहिए वही पर्सन अपॉइंट वही पर्सन की अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो इसके वजह से उनमें कुछ क्वालिटी कम होती है तो वो क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए स्किल इंक्रीज करने के लिए ये डेवलपमेंट प्रोग्राम रखना पड़ता है ओके देन थर्ड वन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर रैपिडली टेकिंग प्लेस इन दिस कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट द मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूसिंग द न्यू इक्विपमेंट्स मशीन्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन सो द मैनेजर्स रिक्वायर द लेटेस्ट नॉलेज ऑफ दीज न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ प्रोवाइडेड थ्रू एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ओके जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो डेवलप करने के लिए मतलब अपग्रेडेशंस होता है वो अपग्रेडेशंस मैनेजर्स को समझ में आने चाहिए इसके वजह से यह एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है नेक्स्ट वन सोशो एकल्चर चेंजेस

मैनेजर्स अगर अच्छे से तैयार हैं तो उन तैयार नहीं हैं तो उनमें डेवलपमेंट होनी चाहिए इसकी वजह से ये डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए और ये इम्पोर्टेंस है डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की नेक्स्ट वन इंक्रीज कॉम्पिटिशन देर इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड द कंज्यूमर्स हाउ बिकम कंसाइज ऑफ देयर राइट्स कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड दे के नॉट कैन नॉट बी नो इजीली मिस गाइडेड है ना कंज्यूमर जो है वो बहुत अभी तैयार हो गया है वो मिसगाइड जो है वो नहीं होता है उनको सब पता होता है तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प इन प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर ओके जो चाहिए कंज्यूमर को तो वो देने के लिए मैनेजर uh, को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है ठीक है नेक्स्ट वन चेंजेस इन लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज़ नीडेड ड्यू टू द रीजन दैट देयर आर फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट द मैनेजर्स कैन इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन ओके मतलब डिस्प्यूट्स जो है वो कम करने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रन किया जाता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके डिस्प्यूट्स जो है वो कम होंगे मतलब इंडस्ट्रियल पीस आएगा ठीक है Seventh one, social responsibility of management. Due to the changing business philosophy, the social responsibility is widely recognized by the business leaders. So, the increased management task arising out of the fulfilling social responsibility have made the executive development necessary in the corporate world. Okay. Matlab, ye jo... एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है उसमें से क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन uh, की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा दें अगर वो अच्छे से डेवलप होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन uh, भी अच्छे से डेवलप होगा ठीक है देन एट इंक्रीज प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज स्टेट इंटरप्राइजेस एंड सिविक बॉडीज आर बिंग प्रोफेशनलाइज फॉर द परपज ऑफ इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल इफिशियंसी दिस प्रोफेशनलिज्मज़ इंश्योर थ्रू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओके मतलब प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए मैनेजर के अंदर सो so, ये जो है वो कैसे डेवलप होगा थ्रू एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके एंड लास्टली अन एंडिंग प्रोसेस ये जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये न ख़त्म होने वाली प्रोसेस है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज़ यूज फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एंड एज लर्निंग इन एन अन एंडिंग प्रोसेस दिस मेक्स द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एज एन अन एंडिंग प्रोसेस मतलब एक गोल ख़त्म होता है तो दूसरा गोल सामने आता है तो वो अचीव करने के लिए उनमें और स्किल्स चाहिए होते हैं तो वो फिर से डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ओके okay, सो so इसकी वजह से यह अनएंडिंग प्रोसेस इसको कहा गया है सो so, ये टोटल नाइन इंपॉर्टेंस हमने देखे इसके वजह से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आती है ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स देखेंगे वेरियस मेथड्स देखेंगे ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन मैसेज मी इन माई कमेंट बॉक्स सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन टेक केयर थैंक यू